विशाल खबर के दर्शकन का केशव तिवारी का राम राम। और हम सुना दादू कार्यक्रम में आज हम फिर बैठे हैं ददोली भाई के साथ और चर्चा करब सतना शहर में। ददोली भाई, ये एक ठे समय बड़ी तेज चर्चा ही स्पीकर और पार्षद के माने बातचीत हो गए सम्मेलन में। स्पीकर राजेश चतुर्वेदी पालन और जौन परिषद, हाँ, और राघवेंद्र सिंह मिथिलेश सिंह। तो अब एक बड़ी तेज चर्चा चली है कि भाई आसंदी के बड़ी बेइज्जती करें मिथिलेश सिंह। अब अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम उनकर पार्षदिन रद्द करा दें। तो ये माने एक अपना ये बताई कि अबे तक नगर निगम में पहल माने जब से नगर निगम सतना बनी तो राजा राम त्रिपाठी से लेके अबे तक जितने चुनाव भे बहस हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़ा सब सम्मेलन में सब परिषद में होते रहे। लेकिन जो ये पार्षदी रद्द कराने वाला विषय है यही अपना कहाँ तक उचित मानी थे कि हो चाहिए कि ना हो चाहिए। हाँ नहीं नहीं बहुत सुंदर चर्चा है तिवारी जी। देखिए कहा है तिवारी जी, पहले तो हम नगर निगम का समझी। नगर निगम ऐसा संस्था है कि जौन जनता के हितन के बेस में खड़ी, जेकर मूल उद्देश्य है कि जनता के सवालन का हल करब और जनता का तमाम सुख सुविधा का पहुँचाओ, या नगर निगम का काम। और ओहिन खीतिर सरकार इंतजामों करती है और जनप्रतिनिधियों का चुनाव हाथ है पार्षदन के रूप में ही महापौर बने थे अध्यक्ष बने थे। लेकिन जब ये जीत जूत के वहाँ पहुँच जाते तो उन्हीं या नहीं रह जाता है उनके दिमाग में भाव कि हम जनता के दुख दर्द खीति रहा यहाँ बैठे हैं। अपने अपने अहंकार अपने अपने स्वाभिमान का लेके अब मऊर बांधे वहाँ पहुँच जाते। अच्छा देखिए, अब बहुत दिन से देखा था ना अपना तो बहुत दिन से देखा था, शुरू से नगर निगम का देखा था कि जब कभी परिषद के बैठक होत रही तो जनता के मुख्य सवालन का एजेंडा निकलत रहा और वह एजेंडा से जनता वाकिफ होत रही कि भाई हमारे खीतिर हृदय एजेंडन पर चर्चा होती और उन्हीं पर शालीनता से नहीं परिषद चर्चा करत रही, चाहे वो पक्ष के रहो चाहे वो विपक्ष के रहो। कई बार ऐसा ना आवा कि लड़ाई झगड़ा बहुत भी, जैसे एक बार अपना का शुद्ध हुई कि बिमला पहाड़े जब रही हैं महापौर और यहाँ से 10 नंबर वार्ड से पार्षद धर्मेंद्र सिंह रहे घोड़ा। तो धर्मेंद्र सिंह ठीक है रहे, कौन मेर रहे तो सब को जानत रहा। वही बिमला पहाड़े से नहीं भिड़ गए और तमाम बड़ी अभद्र भाषा का उपयोग करें, माने पुलिस तक बुलामे के पड़ा हुआ परिषद में। लेकिन यह बात नहीं आई है कि एकर परिषद के सदस्यता रद्द कर बड़ा दिल, माने हम ये लगे थे कि शहर के बीच में एक बड़ा दिल हो चाहिए, बड़ा दिल हो चाहिए। माने हम तो यह मानी थे हाँ कि जो क्षमा मांग ले वो वीर, हाँ, और जो क्षमा कह दे वो बिल्कुल महावीर, माने उससे बड़ा वीर को है या नहीं है। हाँ लेकिन देखिए अब परिषद के मर्यादा का धीरे 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 इतना विखंडित करी ना, ऐसा लोग चुन के जा अब ओम चुनावों में तो जनता के बीच से आप पहुंच जाते। लेकिन मिथिलेश सिंह तो माने कई एक बेर पार्षद रहे और शालीन पार्षद कहे जाते और जनता उन्हीं पसंद करती, कई एक बेर अपने वार्ड से चुनाव जीत। अच्छा कई बेर कहा हुआ थे तिवारी जी ये झगड़ा के हो के कारण कि ठीक है जौन तुम एजेंडा, एक तो एजेंडा पहले से नहीं बताते आया उन्हीं, जब एजेंडा बता दी ना तो मान लिया एजेंडा में चर्चा करा चाहते तो उनका पंचन के यह नहीं मालूम आ कि हम अपने बात के प्रस्तुति हम अपने विषय का रखी कैसन। नवा जे आसंदी में बैठ है ओहू का इतना ज्ञान हुआता है अल जे अपन विषय रखा था वो इतना ज्ञान हुआता है, तुम फिर आ जाते लोकल भाषा में और लोकल भाषा में आए तो कहीं ना होगा हम ऐसा न करब, तुम कहीं कि ऐसा कैसा न करिया आए इनके से बात बिगड़ गए फिर कहीं कि हमारे आदित भाषा हुई है। अब जौन ये भा तो इतना आभा कि कुछ सवालन का लेके कुछ मुद्दन का लेके कांग्रेस के पार्षद असहमत रहे हुई हैं तो कहें कि भाई हम ये माना पहले वो मैं चर्चा करावा। तो हमें ऐसा लागत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही वही बड़ा दिल करा चाहिए, बड़ा दिल करा चाहिए और समझाइश दे के माने ये पूरे मामले का पटाक्षेप करा चाहिए, पटाक्षेप करा चाहिए। महापौर के रूप में वहाँ योगेश ताम्रकार जी बैठे, गंभीर आदमी हैं और
पालना जाऊंगे मैं तो कोनो बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है। हाँ भाई दोबारा पार्षद बने, दोबारा पार्षद बने, माने पूरे पूरा परिवार उनका माने कोनो ऐसा नहीं। हाँ उनका पिता जी पार्षद रहे तो माने तो समझा थे मैं। लेकिन अब बातचीत का बातचीत में बात बिगड़ गए। एक ये तो संसदों में होते हैं। अरे संसद में होते भाई, अब संसद उनसद तो विधानसभा में तो कुर्सी और पेपर वेट और का नहीं होगी, काकों की सदस्यता खत्म की जाती तो ऐसा यहाँ होगा है। अब वो माँ उंगरी उंगरी दिखा दी या कि कुछ कहीं नहीं कि हम न मानब तुम्हार बात है। अब वही ईशू बना ली हैं, ईशू ये बना ली हैं कि भाई वो करके नहीं, अब वो नियम कायदा निकालने लगा कि कौनों आसंदी के अगर बात नहीं मानता कौनों पार्षद तो बार बार समझाए इसके बाद नहीं मानता है। तो फिर वही वहाँ का जो कमिश्नर है तो वह फिर प्रस्ताव बनाए कि नहीं वहाँ भेज के कमिश्नर का भेज। हाँ ये ऐसा नहीं लगा कि ये डरवावे वाला कार्यक्रम आया। हाँ आए तो ये डरवाइन वाला कार्यक्रम, अगली बेर से तुम ये तरह अंगुरी यही है। अब मैंने हम तो हाँ। इतना डरवा दे कि तुम अगली बेर से अब हम ही अंगुरी आया ना। हाँ अब हम ही अंगुरी आया ना। यमा देखी शालीनता से अगर कौन ये मामला निपटा में के सारी जनता देख रही है तुम का छीछा लेदर कर रहे हैं। अरे पूरे अब एक चीज ये बताई, नगर निगम के भ्रष्टाचार, नगर निगम के माने एक तो गाड़ दूसरे लहसुन खाए, माने वो जो कर्मचारी हैं तो उनके कहीं ध्यान ही नहीं जाए कहू के क्यों का कर रहे हैं। अब अपना ये बताइए करता धरता है बेचारा, थोड़ी बहुत माने नगर निगम के अव्यवस्था में कुछ माने बातचीत कर रहा है। हाँ कहू के तुम कतन्नी चला के माने जो ये ठीक ठीक परिपाटी न होती वाली जी। यमा काल कहू दूसरे की सरकार रही माने कम से कम यमा देखी यह चाहत है कि भाई उनसे कह दें कि भाई आसंदी से माफ़ी मांग लिया। नहीं ये तो पेपर में आवा है कि अगर वो माफ़ी मांग लिया है तो हम माफ़ कह दें, माफ़ कह दें। लेकिन तो, अब सवाल यह उठा था कि मैंने ऐसा कोनो काम करी नहीं कि माफ़ी मांगे कि अब यह है कि वो टाइम के अब हम पंचे तो रहे नहीं। हाँ। अब वो टाइम उनका का बातचीत रही कौन ऐसा मुद्दा कि जमा माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। तो अब यह है कि भाई देखा उन्हों को माफ़ी मांग लिया चाहिए कि ठीक है हम आसंदी का सम्मान करी थे, आसंदी का सम्मान करब, लेकिन जनता के सवालन को उठाऊ तो हमार काम आए। हाँ हम विपक्ष में हैं तो हम विपक्ष की भूमिका निभाऊ। माफी अगर मांगे हूँ तो माफी मांगे में उस शब्दन का ऐसा पिरो दे कि भाई ठीक है हम आसंदी का सम्मान करी थे, अगर हमारे व्यवहार से आसंदी का सम्मान भाए तो हम ओकर माफी मांगी थे। हाँ, लेकिन हम जनता के सवालन का बार बार एक बार नहीं हम बार बार उठाऊ और कमलो हम बाउंड न हो जाते माफी मांग के कि अब हम दोबारा हाँ, हम मुँह न चलाऊं, अब हम मुँह मुँह न खालब। तो आसंदी को यह बात का मान ले चाहिए कि नहीं नहीं ठीक है होगा भाई तुम जनता की थी तो चुने ना है तो जनता के सवाल का मान लिया। तो अयत्ते में अगर निपटा जाते मामला तो नगर निगम के गरिमा बच जाई। और नहीं एमा ये तरह के मामले में कायदे से देखी आसंदी और कमिश्नर और यह माने महापौर की हमें कोई भूमिका नहीं आए कुछ नहीं, लेकिन महापौर समझाइश तो दे सकते हैं, समझाइश दे सकते हैं। महापौर बुलाए के समझाइन दे अगर मिथिलेश कहीं तो ऐसा थोड़ी हम जाने थे मिथिलेश शालीन आदमी है भाई। आज तक कहूँ हम लड़ते झगड़ते उन्हीं नहीं देखे, अब वो लड़ैया को नहीं, अब तो मिथिलेश का आगे कर देते बेचारू अध्यक्ष के चुनाव लड़ गए तब भले वही नेता हो गए और कोई बोलाइए नहीं आ तो कहा तो दादा बोला तो दादा सोचिन की होगा वह अमीन तो आ है तो वो अपन झोंक देते जो उन मेर मन पड़ा थे वैसे लड़ाइया उड़ैया आए ना हुई। बड़े शालीन आदमी आए वो बेचारू वैसो अब हम विकास यात्रा में रहें तो नहीं पहुंच पाए रहे उनके एक भूमि पूजन का कार्यक्रम रहा तो महापौर जी टेलीफोन करी तो कहीं की आदर वहाँ से आवा जवाब उनकर कि आदरणी हमका मालूम नहीं रहा, हम तो सोचे रहे कि थोड़ी देर बाद हुई तो हम आई थे और पाँच मिनट के भीतर आ गए बड़े सौजन्यता के साथ बड़े मिलनसारता से नहीं वहाँ रहे तो मिथिलेश कौन ऐसा लड़ाइया न हो ना पलने माने भाई के शालीनता और शिष्टता माने ऐसे भाई और तो कोनो चीज में नगर अब का... कांग्रेसों वाले कहते हैं तुम माफी भरना मांगे दादा। हाँ तो उन्हीं कहते हो कि तुम माफ किया ना, उन्हीं कहते हैं कि तुम माफ किया ना या अब इनकर हम बताऊ भी नहीं इनकर सदस्यता खत्म कर दिया ये मेरे वहाँ गाड़ी फंसी है नहीं दो जन दोनों जन शालीन है आई काहे दोनों जन इतना लड़ पड़े हम नहीं जाने पाए। को आगे में घी डाल रहा है को डाल रहा है और को यही बड़ा मुद्दा बना रहा है।
पर देखा ये सब डर वामन और वामन आए बहुत दिन चली होली ना जिन न मिल जाइए दो जन बाहर अध्यक्ष मिथिलेश तो दो साथी ना हम जाओ हम जानी चाय पी के कहानी खत्म हो जाए भाई गरे में हाथ डार के चलत रहे हैं मैं तो दो जन कहानी खत्म हो जाए चाय पी के खत्म हो जाए और अब यही डरवा मना चलाए हैं कोनो बहुत विशेष बड़ा मुद्दा ना हो तिवारी जी तो चलिए बहुत बहुत यह पार्षद और अध्यक्ष के मुद्दा में चर्चा भय हमारा अपना के तो कहो न कहो ये चर्चा जनतों के बीच में जाई और हम ही लागत है कि विशाल खबर के तमाम चीज़ें पार्षद और अध्यक्ष और महापौरों देखा थे हाँ। तो ये चर्चा के माध्यम से उन्हीं कुछ संदेश मिली हाँ, हाँ, कोशिश कर ले भाई भाई और विचार करी है कि यह समस्या यह मुद्दा हाँ। सतना के माथे में ठीक कलंक न लागे कि पार्षद के सदस्यता रद्द कई दिन में तो बहुत बहुत धन्यवाद अदोली भाई।